माय हाउसवाइफ चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी और बेसन का हलवा। इनका हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन लेंगे और उसमें घी गरम कर लेंगे। तो हमने एक कटोरी घी लिया है और उसको गरम कर लिया है। और ये हमने एक कटोरी सूजी और एक कटोरी बेसन लिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सूजी और बेसन को हम हमें सूजी और बेसन को घी में अच्छे से भूनना है ब्राउन होने तक। जब ये ब्राउन होने तक भून जाए उसके बाद हमें इसमें पानी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम सूजी को अच्छे से भून लेते हैं। ये देखो हमारे बेसन और सूजी अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे। ये हमने किशमिश लिए हैं और इसमें डाल देंगे और भी थोड़ा पकाएंगे। ये देखिए हमारे किशमिश भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें तो ये हमने एक कटोरी दूध लिया है, इसमें हम थोड़ा सा कलर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये एक कटोरी दूध हम सूजी और बेसन में अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये पानी हमने गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था। अब हम इसको इसमें ऐड करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने पानी अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसमें एक कटोरी चीनी ऐड करेंगे। एक कटोरी चीनी हमने डाल दी है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऊपर से एक चम्मच घी और ऐड करेंगे। एक चम्मच घी हमने इसमें ऐड कर दिया है। आप भी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर।